हाँ अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सो यू हैव द मोस्ट वेलकम इन दिस ऑनलाइन लेक्चर। तो एज यू आर अवेयर वी आर डीलिंग विद दिस टॉपिक दैट इज ट्राइगोनोमेट्री एंड वी हैव फिनिश एक्सरसाइज फर्स्ट दैट इज एक्सरसाइज 8.1। नाउ टुडे वी हैव द एक्सरसाइज 8.2। तो बिफोर गोइंग ऑन एक्सरसाइज 8.2, तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है ना, दैट मीन्स फॉर डिफरेंट एंगल्स वी हैव द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो मैं पहले आपको सिखाऊंगा वो टेक्निक याद करने की। तो बेटा देखना, आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है दैट इज साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा, वेरी गुड, कॉस थीटा, टैन थीटा और टैन थीटा। इसके बाद इन तीनों के रेसिप्रोकल, ठीक। तो जब आप देखते हैं अपने फंडामेंटल जो है आपका जो फंडामेंटल एंगल्स है, मीन्स वो जो स्टैंडर्ड एंगल्स रहते हैं जीरो, वो रहते हैं आपके पास जीरो डिग्री, हाँ बेटा, थर्टी डिग्री, वेरी गुड, थर्टी डिग्री, फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव, 60 एंड 90, 60 रहता है और 90, वेरी गुड, 90 डिग्री। तो हम ऐसे जीरो को जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो, यस सर, वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है। yes. आप इनमें ढूंढो सबसे बड़ा फोर, तो फोर से डिवाइड कर लो, ठीक। yes, sir. अब इसके बाद स्क्वायर रूट ले लो हर एक का, आपके लिए जीरो बाई फोर तो जीरो होता है, तो साइन जीरो जीरो क्योंकि रूट से ऐसा। वन बाई फोर रूट में आएगा वन बाई रूट टू, वन जार टू टू जार तो वन बाई रूट रूट थ्री डिवाइड बाई टू और वन। तो बेटा आपको सिर्फ इतना याद रखना है, साइन आप जीरो जीरो, साइन थर्टी डिग्री वन बाई टू, साइन सिक्सटी वन बाई रूट टू, साइन ओ साइन फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू, साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू, साइन नाइनटी वन। तो वहां से आप स्टार्ट कर लो, आपको tan निकालना है। tan क्या होता है? Sin theta by cos ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो आपके तीन वैल्यूज है, दैट इज cosec theta, sec theta एंड cot theta। तो बेटा आपको पता है जो कोसेक है ना वो किसका रेसिप्रोकल है? साइन का रेसिप्रोकल है ना, और जो सेक वो किसका रेसिप्रोकल? कोसेक कॉस का रेसिप्रोकल, और इन द सेम मैनर जो काट वो टैन का। तो आपको पता है जो कोसेक थीटा ना इसका रेसिप्रोकल साइन जीरो का, जीरो का होता है रेसिप्रोकल वन बाई जीरो, दैट इज नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। इसका क्या आएगा? तो बेटा आपने कहा कोसेक जीरो नॉट डिफाइन, इसका आएगा टू, इसका आएगा रूट टू, इसका आएगा 2 डिवाइड बाय रूट 3 बाय 2, नहीं 2 डिवाइड बाय रूट 3, यस सर, रेसिप्रोकल 2 डिवाइड बाय रूट 3 और रूट 3 और 1 बाय 1 का मान। इन द सेम मैनर आपके पास क्या है? cos, मान का 1 ही आएगा, यस सर। इसका क्या आएगा? 2 बाय रूट 3, 2 बाय रूट 3, रूट 2, रूट 2, 2 2 बाय 1 है ना, 2 और 0 का 1 बाय 0, यस सर। तो दैट इज 1 बाय 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। इन द सेम मैनर tan 0 का 1 बाय 0 नॉट डिफाइंड, रूट 3, यस सर, 1 बाय रूट 3 नॉट 1 by 0 minus that is 0 by 1, तो वो आएगा ये था ना infinity, yes, define minus infinity, yes, 1 by infinity that is 0, ठीक है। yes. तो आप वो calculate कर सकते हो, ठीक है। yes, these are some standard values जो आपको निकालने थे, ठीक है। yes, तो याद रखना ये। yes, तो बेटा मुझे ये चाहिए sin, cos और tan, जब आपको ये yes, याद होंगे आप इनके रिस्पेक्ट को लिख सकते हो। yes, चलो बोलना पहला क्वेश्चन क्या है आपके एक्सरसाइज का। बोलो बेटा एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? तो आपने कहा सिंपली सर दिस इक्वल टू जो मेरा क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन, अभी आपने देखा साइन सिक्सटी का, साइन सिक्सटी का रूट थ्री बाई टू, यही है ना बेटा, और cos 30 डिग्री का रूट 3 बाई 2, यही है ना, प्लस sin 30 का 1 बाई 2, cos 60 का 1 बाई 2, यही है ना। दिस इक्वल टू रूट 3 जार बाय रूट 3 दैट इज 3, 2 2 जार बाय 4, 1 1 जार बाय 1 डिवाइड बाय 4, 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 दैट इज 4 डिवाइड बाय 4 दैट इज 1। बेटा सिर्फ आपको टेबल याद होना चाहिए, है ना। चलो अब इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट बोलो बेटा, जब तक आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 i tan square
45 देखो ट्वाइस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री ठीक माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री देखो बेटा आपको सिर्फ याद रखना चाहिए 2 अपना एज इट इज tan 45 का वैल्यू 1 1 तो 1 का स्क्वायर सर प्लस cos 30 का वैल्यू आपने अभी कहा √3/2 लेकिन इसका क्या है स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू आपने क्या कहा था अभी √3/2 √3/2 लेकिन उसका भी स्क्वायर है ना तो आपने कहा दिस इज अ 2 1 सर 2 प्लस 3/2 3/4 3/4 माइनस 3/4 है ना दिस एंड दिस गॉन तो कितना बचेगा बेटा क्लियर हैव यू गॉट नाउ कोई और पार्ट बोलो बेटा सर फोर्थ पार्ट हां बोलो बेटा फोर्थ पार्ट sin 30 sin 30 हां sin 30 डिग्री हां बेटा प्लस tan 45 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री sec 30 डिग्री ये क्या है इसके cosec से मल्टीप्लाई डिवाइड 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 बाय sec 30 डिग्री हां प्लस cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री cot 45 डिग्री ये है ना यस सर सिर्फ बेटा मैंने जो अभी आपको कहा ना लिस्ट याद होना चाहिए वैल्यू आपको देखो sin 30 का वैल्यू पता है आपको 1/2 tan 45 का 1 माइनस cosec 60 डिग्री √3 2/√3 एग्जैक्ट डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री 2/√3 sec 30 डिग्री √2 2/√3 यस सर वेरी गुड 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 1/2 वेरी गुड tan 45 इक्वल टू 1 ये cot 45 है ना यस सर वो दैट इज इक्वल टू 1 यस सर देखो बेटा अब तो आप इवैल्यूएट कर सकते हैं ना yes, देखो कैसे करना है तो आपने कहा दिस इज अ 2 1 2 दैट इज 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय इसको आपने ऐसे किया 2 1 yes. 2 yes, है ना नीचे आपने कहा दिस इज 2 डिवाइडेड बाय √3 एज इट इज इट इज 2 1 3 डिवाइडेड बाय 2 है ना yes, आप थोड़ा इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है इसको इसके साथ yes, है ना देखो थोड़ा मैं दिखाऊंगा ही 3/√3 बोलना बेटा क्या आएगा 3 3 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 2/√3 और नीचे 2 2 4 प्लस 3/√3 शायद ऊपर भी आएगा सर 3/√3 ओके सॉरी हमने कैलकुलेट गलत किया ये √3 और 3 का मल्टी है ना यस सर दिस इनटू दिस दैट इज 3/√3 यस सर ये है बेटा माइनस 4 डिवाइड बाई 2/√3 2/√3 और नीचे डिवाइड 4 माइनस 4 प्लस 3/√3 डिवाइडेड बाई 2/√3 2/√3 और ये कैंसिल तो आपने कहा इसका वैल्यू आ गया सर 3/√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3/√3 प्लस 4 यस सर है ना yes, अब रूट तो नीचे नहीं रख सकते रैशनलाइजेशन करेंगे तो आपने कहा ऊपर 3/√3 माइनस 4 और नीचे भी सर 3/√3 माइनस 4 तो सर ऊपर बनेगा 3/√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर नीचे बनेगा 3/√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर है ना बेटा तो आपने कहा दिस इज अगर a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे yes, तो ऊपर ऐसे रखो √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर ऐसे yes, नीचे आएगा 9√3 माइनस 16 है ना yes, क्योंकि स्क्वायर और ये कैंसिल होगा लेकिन 3 का अपना स्क्वायर है ना yes, तो ऊपर भी आप इसको मैं पूरा दिखाऊंगा ही तो बेटा इसको यूज कर लो फार्मूला ये बनेगा a स्क्वायर दैट इज 3/√3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट मींस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab 2 3 6 6 = 4 24 √3 यस सर नीचे आएगा बेटा 27 माइनस 16 यस सर ये है ना yes, आप देखना 43 ये बनेगा 43 माइनस ऊपर बनेगा जैसे ए yes, इसका स्क्वायर का इंटरेस्ट 27 प्लस 16 माइनस 24√3 है ना डिवाइड yes, बाय का 27 में 16 चलेगा कितना बनेगा 11 11 तो आपने कहा ये कितना बनेगा 43 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाय 11 ये है ना यस सर ये इसका आंसर है Have you got now? Yes, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलना बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस ओके बेटा बोलो क्या क्वेश्चन है आपका पहला पार्ट हां हां ट्वाइस tan 30 डिवाइड बाय ट्वाइस tan 30 हां डिवाइड बाय हां 1 + tan स्क्वायर 30 तो बेटा देखो ये आपका है ना yes, फिर नीचे चार ऑप्शन है yes, तो सबसे पहले हम इसी को इवैल्यूएट करेंगे yes, आपने कहा दिस इज 2 into tan ऑफ 30 डिग्री 1/√3 यस सर और 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर आपने कहा दिस इज ऊपर 2/√3 और नीचे 1 + 1/3 है ना बेटा आपने कहा दिस इज 2/√3 एज इट इज और सर ये बनेगा 4/3 है ना 3 तो ऊपर चला गया 3 2 6 6 4/3 है ना बेटा आपने कहा 2 1 2 2 2 3
है ना, दिस इज 3 डिवाइड बाय 2 रूट 3 है ना। तो आपने कहा सर 3 को मैं लिख सकता हूं रूट 3 इनटू रूट 3 डिवाइड बाय 2 रूट 3, ये और ये सर, तो ये बनेगा रूट 3 डिवाइड बाय 2। लेकिन अगर ऐसे हम करेंगे ना रूट 3 डिवाइड बाय 2, ये किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का। साइन 60 कोई ऑप्शन है? यस सर। तो बेटा ये आपको ये मिला, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ना इसका आंसर मिला रूट 3 बाय 2। अब चार ऑप्शन है नीचे, ए पार्ट बोला बेटा क्या है, साइन 60, cos 60, tan 60, sin 30, tan 60 और sin 30, sin 30। तो आपने डायरेक्ट कहा सर sin, इसका वैल्यू है ये sin 60, बिकॉज sin 60 डिग्री जो है ना दैट इज रूट 3 बाय 2। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर हैव यू गॉट नाउ। तो आज के लिए इतना काफी। यस सर, और एक पार्ट। हां हां बोलो बेटा। sin 2a जस्ट एन थर्ड पार्ट इसी का। हां हां बोलो बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। हां बोलो बेटा क्या है। sin 2a sin ऑफ 2a इक्वल टू twice twice sin a sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू। अच्छा इसका ये कब ट्रू है? यस सर। देखो बेटा आपने कहा कि सर इफ a इज इक्वल टू 0 लूंगा मैं, देखना बेटा अगर आपने एंगल का वैल्यू क्या लिया 0 डिग्री, तो आपने कहा sin ऑफ 2 into 0 दैट इज sin ऑफ 0, तो वो बनेगा 0 के बराबर। आपने कहा अब मैं ये LHS था आपका है ना, आपने कहा RHS इज इक्वल टू सर ट्वाइस साइन ऑफ ए दैट इज 2 इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री दैट इज अगेन 2 इंटू 0 है ना दैट इज 0। तो अगर कोई ऑप्शन है ना 0 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे ये इक्वल है। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन है ए 0 30 45 एंड 60। तो आपने कहा 0 डिग्री पे है ना। यस सर। इफ ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब आपका दूसरा जो ऑप्शन है उसमें मैं दिखाऊंगा आपको, ये पहली ऑप्शन थी ना। yes, तो इसका आंसर यही है ना। yes, अब आपने कहा सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या दिया है? 30 डिग्री। हैं 30 डिग्री। चलो बेटा 30 डिग्री पे चेक कर लो एक साइन ए इज इक्वल टू 30 डिग्री दे दो बेटा। साइन 2 इनटू 30। तो आपने कहा साइन 2 इनटू 30 और वो बनेगा साइन 60 डिग्री और सर वो हैगा रूट 3 बाय 2। यस सर। है ना, ये LHS मिला आपको ट्वाइस साइन। अब RHS चेक करना, आपने कहा ट्वाइस साइन ऑफ 30 डिग्री है ना, दैट इज 2 इनटू साइन 30 होता है 1 बाय 2 है ना, दैट इज 1। ये दो बराबर नहीं है ना। no, तो बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके सर।